सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, बेटा ये लाइट चैप्टर का पार्ट 17 है। पार्ट 1 से 16 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देखिएगा जरूर। आप अपने डाउट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं, आपको सभी डाउट्स का आंसर दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हेलो गाइस, कैसे हो बच्चों आप सब? बढ़िया, मस्त, बिंदास, सबका हाल चाल ठीक ना? वेरी गुड बेटा, वेलकम टू पाठ्यक्रम। एंड मैं अनुपम नारंग आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 17, वो भी किस चैप्टर का? चैप्टर 10 लाइट, क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 17। पार्ट 1 से 16 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देखिएगा जरूर। एंड इस पार्ट को समझने से पहले उनको देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली लास्ट वाले पार्ट को, पार्ट 16 है, क्योंकि उसमें हमने किसकी बात की थी? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात की थी। और आज हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस की हम बात करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ। सबसे पहला हमारे पास आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, यानी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। सबसे पहले एक रे तो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास हो जाती है, दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। अब अगर दोनों रेज फैल रही हैं, इन दैट केस इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा। जब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा तो आप देख पा रहे हो मुझे यहां पर एक इंटरसेक्शन मिल गया, यहां पर बन जाती है इमेज। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास आ गई इमेज, ठीक है। इमेज के लिए हमें रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ा है, मतलब नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल इमेज है और साथ में इरेक्ट इमेज है, ठीक है। साइज कैसा है इसका? मैग्नीफाइड साइज इसका, मैग्नीफाइड है, बड़ा साइज है। पोजीशन कहां है? अब आप देखो, ये इमेज इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, जस्ट पीछे बन सकती है, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं भी बन सकती है। तो यानी कि इमेज आप यहां भी बना सकते हो, यहां भी बन सकती है, अपने आप बनती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट रखना है, रे डायग्राम बनाना है, अपने आप इमेज बनेगी। तो पोजीशन हमारे पास आ जाएगा, पोजीशन इसकी आएगी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, इसकी पोजीशन बियॉन्ड ऑब्जेक्ट आती है। अब इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो ना आप लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो बड़ा बड़ा दिखता है, बड़ा बड़ा छोटा सा अक्षर बड़ा दिखता है, वो वहां पर यूज होता है इसका। ये है वो अक्षर और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस की तरफ, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट फोकस पे है, यहां पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये बेटा हमारे पास F2 है और ये हमारे पास 2F2 है। अब एक रे जो जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है बिल्कुल स्ट्रेट। आप देख पा रहे हो ये दोनों की दोनों रेज पैरेलल हैं, ये पैरेलल रेज हैं और कहां जाएंगी? ये इंफिनिटी तक। कहां पर जाएंगी? इंफिनिटी। इंफिनिटी वही बात मैंने क्या बताया था इंफिनिटी में, इंफिनिटी का मतलब लार्ज डिस्टेंस नहीं होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि जो डिस्टेंस आप कहीं भी स्क्रीन रख दो वहीं पर इमेज बन जाती है और ब्लर्ड इमेज बनती है। मैं यहां रखूंगा यहां ही ब्लर्ड इमेज बन जाएगी, इधर रखूंगा इधर ब्लर्ड इमेज बन जाएगी, इधर रखूंगा इधर ब्लर्ड इमेज बन जाएगी। जितना हम स्क्रीन को दूर लेके जाते हैं, जितना दूर लेके जाएंगे उतनी ही बड़ी इमेज, उतनी ही मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो इसका नेचर देखो, कहीं भी जाएगा स्क्रीन रखेंगे एक्चुअल इमेज बनेगी ना, तो नेचर हो जाएगा रियल। एंड अब देखो रेस कहां से शुरू हुई है? ऊपर से शुरू हुई है, बिल्कुल टॉप पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले हिस्से से रेस शुरू हुई है। और कहां जा रही है रेस? ये रेस बिल्कुल नीचे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे चल जाएंगी, यानी इमेज उल्टी बनेगी, जहां बनेगी उल्टी इमेज बनेगी इस तरीके से। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारे पास आ रहा था इसके अंदर। साइज डेफिनेटली बात है हाईली मैग्निफाइड, जहां भी बनेगा बहुत बड़ा साइज होगा, तो हाईली मैग्नीफाइड साइज इसका लिखा जाएगा। पोजीशन एट इंफिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कहां बनने वाली है। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज होता है हमारे पास हेडलाइट्स में,
और टॉर्चेस के अंदर, हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस। जो टॉर्च होती है, हेडलाइट होती है, उनके तो सबसे आगे वाला लेंस होता है, वो इससे बना होता है बेसिकली। तो ये आपके आगे दो केसेस। अब आपका आता थर्ड केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड 2F2, ऑब्जेक्ट जो है फोकस और डबल ऑफ फोकस के बीच में है। अगेन बेटा वही केस होगा यहां पर भी, एक रे आपके पास बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। मुझे तो बेटा आदत होगी, मैं फ्री हैंड बना देता हूं, आप लोग प्लीज स्केल के यूज से बनाएगा। ये तो लेंसेज आपको दिख रहे हैं ना, मैंने भी स्केल के यूज से ही बनाए। आफ्टर रिफ्रैक्शन रे फोकस इज पास हो गई। अब जो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, ये रे फोकस तो चली गई, अब दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, आप देख पा रहे हो मुझे कहां पर जाकर इंटरसेक्शन मिला है। मुझे इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे मिला है। तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ये इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है और ये इमेज आ गई मेरे पास। आप इमेज देख सकते हो, बड़ी है, मैग्निफाइड है और रियल इन्वर्टेड है। तो नेचर मेरे पास हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। साइज डेफिनेट सी बात है मैग्निफाइड, साइज तो बड़ा ही आ रहा है इसके अंदर। पोजीशन कहां आ रही है इसकी, पोजीशन हमारे पास आ रही है इसके अंदर, दैट इज बियॉन्ड 2F1 के बियॉन्ड, बिल्कुल परे, बिल्कुल दूर आ रही है। और इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होता है हमारे पास स्पॉटलाइट एंड फ्लड लाइट्स। जो आपने देखा होगा ना पिक्चर्स के अंदर, सर लाइट होते हैं, वो बड़ा सा एक गोला बनाता है, यहाँ अभी है फाउंड यू अरेस्टेड, एंड वो कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरली होता है जब कोई मूवी देख रहे होते हो, या आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो तो बड़ी सी स्पॉट लाइट आती है, वो बहुत बड़ा स्पॉट होता है, उसको हम बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो वो जो लाइट होती है उस केस में ये वाला यूज होता है। ये जो है बल्ब है, ये आगे का लेंस है जो कि काम कर रहा है। सिमिलर केस हमने डिस्कस किया था मिरर्स के अंदर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट एट 2F2, मतलब ऑब्जेक्ट डबल ऑफ फोकस पे एग्जैक्ट है। इसे तो समझ गए होंगे, ये हमने मिरर में पढ़ा हुआ है। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर यहीं पर इमेज बनेगी एग्जैक्ट डबल ऑफ फोकस पे। आइए देखते हैं बेटा, एक रे तो बिल्कुल पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है और यहीं से स्ट्रेट चली जाती है। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल अच्छी सी, बिल्कुल बढ़िया इमेज आती है। जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर ही इंटरसेक्शन हुआ है, डबल ऑफ फोकस पे इंटरसेक्शन हमारे पास हो रहा है इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज फॉर्म हो रही है यहां पर। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, नेचर है इसका डेफिनेट सी बात है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारे पास। साइज हमारे पास आ रहा है इसका सेम साइज, पोजीशन हमारे पास आ रही है इसके अंदर बेटा एट 2F1। यूज इसका यूज होता है एक तो टेलीस्कोप में, और इसका यूज हमारे पास होता है टेलीस्कोप के अलावा स्पॉटलाइट में। कभी कभी हमें स्पॉटलाइट छोटी भी चाहिए होती है, बहुत छोटी चाहिए होती है, तो वो उस केस में भी इसका यूज होता है, क्योंकि स्पॉटलाइट तो हम छोटी भी कर सकते हैं, तो उस केस में भी इसका यूज हमारे पास होता है। तो ये तो थे बेटा फोर्थ केसेस। अब हमारे पास आते हैं फिफ्थ एंड सिक्स केसेस। बेटा आइए चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो देखते हैं फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2F2 है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं इस तरफ रखा हुआ है इधर, तो हमने इधर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है जी। अब यहां से एक रे तो जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगेन टेलिंग बेटा स्केल से बनाइएगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनता डायग्राम। फोकस से निकल गई, दूसरी जो रे है वो आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर स्ट्रेट लेके जाएंगे, अगेन आपको स्केल से बनानी है, नहीं तो यही गलतियां होती रहेंगी हमेशा। जो इमेज बनेगी आपकी वो F1 और 2F1 के बीच में बनेगी। इस वाले केस को आप एक और तरीका बता रहा हूं आपको, दूसरे डायग्राम से भी बना सकते हैं आप इफ यू वांट टू मेक इट।
ये देखिए इधर, एक तो ये स्ट्रेट चली गई हमारे पास, जो लेंथ वाला पार्ट रब हुआ है इसे हम पूरा कर देते हैं, ये हमारे पास लेंथ आ गया। अब देखिए जरा, आप यहां से भी रे को लेके जा सकते हैं फोकस से, अगर आप फोकस से लेके जाएंगे उसके बाद यहां से पैरेलल रे हो जाएगी तो आपको इधर इमेज फॉर्मेशन मिल रही है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर मैं यहां से ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ड्रॉ भी करता हूं, ये देखिए, तो मेरे पास इमेज फॉर्मेशन एक ही पॉइंट पर आने वाली है। आप जो मर्जी यूज कर लो, भले इन दोनों रेज को यूज करो, इसको यूज करो, दैट डजंट मैटर, इमेज फॉर्मेशन सेम पॉइंट पर आएगी अगर आपकी मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज है तो। अगर मेजरमेंट में जरा सा भी था तो हेर फेर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, मेरे पास इमेज आ गई। नेचर जो है इसका साइज, नेचर जो है इसका बेटा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज डेफिनेटली बात है डिमिनिश्ड है, छोटा साइज है। पोजीशन इज बिटवीन F1 एंड 2F1। और जहां तक हम बात करें इसके यूज की, इसका यूज कहां होता है, तो बेटा ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम बड़ी सी इमेज को छोटे के अंदर कैप्चर करते हैं? बेटा उसी डिवाइस से तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के टाइम पे। बिल्कुल सही सोचा आपने, कैमरा, कैमरा के अंदर ऐसा होता है। इसके अलावा जो आपका मोबाइल फोन कैमरा, उसके अंदर भी ये केस यूज होता है। तो ये केस तो आ जाएगा कैमरा के अंदर, ठीक है ना। बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है, आज जिस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसमें कौन सा केस यूज होता है। तो देखिए, हमारे आसपास फिजिक्स फैली हुई है, फिजिक्स हमारे आसपास फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। किसी भी चीज को उठा लो उसमें फिजिक्स जरूर नजर आएगी, अगर आपको उसके कंसेप्ट के बारे में पता है तो। नेक्स्ट आपका केस आता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी से जैसे कि हम हर बार करते आए हैं, दो रे डायग्राम बनते हैं। एक तो रेज आ गई पैरेलल, रेज पैरेलल आ गई फ्रॉम इंफिनिटी। अब उसके बाद ये रे क्या होगा हमारे पास, ये फोकस से निकल जाएगी, तो यहां पर बन रहा है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम होगा। नेचर हमारे पास आ जाएगा डेफिनेटली बात है रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा साइज, पॉइंट साइज है, सो हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन एट फोकस, इसका यूज होता है हमारे पास टेलीस्कोप में। वैसे तो ह्यूमन आई भी हमारा टेलीस्कोप ही है टाइप का, तो ह्यूमन आई में और कैमरा में। कैमरा में जब आप बहुत दूर की इमेज कैप्चर कर रहे हो तो आप ये वाले केस में यूटिलाइज करोगे। अब इसी का एक और डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, जैसे हम हर बार बनाते आए हैं। मैंने आपको क्या कहा है, ये तो बेटा फोकस को डिफाइन करने वाला डायग्राम है, फोकल लेंथ वाला डायग्राम है। अगर हम एक्चुअल डायग्राम की बात करें तो एक्चुअल डायग्राम कैसा होता है आइए देखते हैं। अब जैसे कि इंफिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। तो ये हमने एक दूसरे के पैरेलल, ये तो एक रे आ रही है, ठीक है। दूसरी रे जो मेरे पास आएगी वो फोकस से आती है, ये देखिए ये फोकस से आ रही है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन पैडल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम देखे तो हमारे पास इसके अंदर इमेज, यही पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जैक्टली इंटरसेक्शन जो हो रहा है हमारे पास वो इसी पॉइंट पर हो रहा है, इंटरसेक्शन आपके पास इस पॉइंट पर आ गया फोकस। स्केल से बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनती है आपके पास, ये रेज आ रही है फ्रॉम इंफिनिटी और ये बन गया इमेज। अब आप देख पा रहे हैं इमेज फोकस से बनी है। और क्या आ रहा हमारे पास सबसे खास बात इसके अंदर, हम देख पा रहे हैं कि रियल इन्वर्टेड है, हम देख पा रहे हैं कि डिमिनिश्ड है, हम देख पा रहे हैं कि फोकस पर है, हमें तो छोटा पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये केस आता है इसके अंदर इंफिनिटी का। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज की।
बेटा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस में ज्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ दो ही केसेस हैं बेसिकली, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर था ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म करने वाला, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं, दोबारा सुनिए, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, यहां पर हम कॉन्केव लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो इसमें जो पहला केस आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, फ्रंट यानी कि लेफ्ट साइड को फ्रंट कहते हैं, सिंपल लेफ्ट साइड को फ्रंट कहते हैं और कुछ नहीं है। तो यहां से हमारे पास किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एक रे तो बिल्कुल पैरेलल जाती है और ये रे डाइवर्ट हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाती है। यहां पर बेटा क्या हुआ, वर्चुअल इंटरसेक्शन, यहां बन गई इमेज। अब आप कह रहे हो सर एक तो रे रियल है, तो एक तो रियल इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते बेटा, एक रे वर्चुअल है। अगर दोनों में से एक भी रे वर्चुअल होती है तो उसको वर्चुअल इंटरसेक्शन ही कहा जाता है। तो ये वर्चुअल इंटरसेक्शन आ गया, ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब जो इसका नेचर हमारे पास आ रहा है, अगर हम बात करें इस इमेज के नेचर की, तो नेचर तो हमारे पास हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है हमारे पास। जो साइज हमारे पास आ रहा है, साइज हमारे पास है डिमिनिश्ड, छोटा साइज हमारे पास है इसके अंदर इमेज का। पोजीशन जो हमारे पास आ रही है इसके अंदर, पोजीशन इज बिटवीन ओ एंड एफ वन, ऑप्टिकल सेंटर और एफ वन के बीच में है, हमेशा यही बनेगा, ध्यान रखेगा, और कहीं इमेज नहीं बन सकती, और कहीं भी इमेज नहीं बन सकती, ये ध्यान रखेगा। अगर ये दूर होता जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर होता रहता, ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज मैक्स टू मैक्स फोकस पे आ सकती है। अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस पे आ सकती है, इससे दूर नहीं जा सकती। ये क्वेश्चन वन मार्कर में कभी कभी आता है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका यूज क्या है बेटा, इसका यूज हमारे पास एक डिफेक्ट ऑफ आई आता है, मायोपिया, जिसमें दूर का दिखता नहीं, जिसमें दूर का नहीं दिखता, उसके लिए बनाया जाता है बेसिकली। सो इट इज यूज टू ट्रीट मायोपिया। मायोपिया एक डिफेक्ट ऑफ आई है, ये डिफेक्ट ऑफ आई है बेटा, डिफेक्ट ऑफ आई। इसमें दूर का नहीं दिखता, इसमें दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। तो ये जब दूर के अंदर कमजोर होते, मैंने स्पेक्टिकल डाले हुए हैं, इसमें मेरे पास कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मुझे दूर के दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये कॉन्केव लेंस है। जितने का भी नंबर माइनस में होता है, जितने भी बच्चों का नंबर आपको जो स्पेक्टिकल लगे हुए, अगर लगा हुआ है और आपका नंबर माइनस में है, तो इसका मतलब आप कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हो। दूसरा क्या आपको बताता, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगेन बेटा इंफिनिटी से तो दो रेज पैरेलल हमारे पास आती है, तो सबसे पहले तो हमने दो रेज को पैरेलल ले लिया। जब दो रेज को हमने पैरेलल लिया तो हमें ऐसा लग रहा भैया कि जो आपके पास रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। क्या लगता है हमें इसके अंदर, फोकस से आ रही है, ध्यान रखना आपको। यहां बन जाती है वर्चुअल इमेज, क्या बन जाती है, वर्चुअल इमेज। अब इसका एक और डायग्राम करते हैं, अगेन सेम, कि एक केस में तो जो रे है वो तो आपके पास आ रही है बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जा रही है, पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से रे को पास कर दिया, ये बेटा रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके स्ट्रेट चली गई। दूसरी रे जो है वो हमारे पास फोकस की तरफ आ रही है, तो हम फोकस की तरफ एक रे लेते हैं इसके अंदर, इसके पैरेलल ही, ध्यान दीजिएगा आप लोग बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए बेटा डायग्राम, ये बिल्कुल रे पैरेलल हमारे पास आ रही है, दिस रे इज पैरेलल, एग्जैक्ट पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल रे हमारे पास आ रही है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई थी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो रे है वो फोकस की तरफ जा रही है बट पहुंच ही नहीं पाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, ये देखो अगर मैंने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे इमेज इधर मिल गई फोकस पे, और अब मैं देख पा रहा हूं, देखो ये दोनों रेस, इन दोनों रेस को दोबारा ध्यान से देखो, ये रे फोकस की तरफ आ रही है, ये रे फोकस की तरफ आ रही है, पहुंच नहीं पाएगी, पैरेलल हो गई, ठीक है। अब ये इन दोनों रेज को देखो, ये दोनों रेज जो है डाइवर्ज कर रही हैं, फैल रही हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया और मेरे पास ये आ गया फोकस, क्या आ गया मेरे पास, ये फोकस आ गया इसके अंदर, आपको ध्यान देना है, ठीक है जी।
अब आपको क्या ध्यान देना है इसके अंदर, फोकस बन गया। अब इसका नेचर, साइज और पोजीशन और इसका यूज हमारे पास कहाँ आ रहा है। बेसिकली इसका जो नेचर हमारे पास है, नेचर तो बेटा वही हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर हमारे पास हो गया। जो साइज हमारे पास आ रहा है, साइज है डिमिनिश्ड, बहुत छोटा साइज है इसका। और जो इसकी पोजीशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है एट फोकस, पोजीशन का आ रही है एट फोकस। और इसका यूज बेटा, इसका यूज और इसका यूज दोनों का सेम होता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में यूजेस सेम थे, वैसे यहां पर यूजेस सेम है। टू ट्रीट मायोपिया, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। सो टू ट्रीट मायोपिया, जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा मायोपिया को किस तरह से ठीक किया जाता है। तो टू ट्रीट मायोपिया ये हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। तो बेटा हमने पार्ट 17 में क्या पढ़ा, हमने लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर साइन कन्वेंशन के बारे में, पावर के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और न्यूमेरिकल जल्दी आपके पास आने वाले हैं। ये था हमारा पार्ट 17। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। सब्सक्राइब पाठ्यक्रम चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। यहां पर आ गए हो तो लाइक के बिना जाना मत और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। बाय बाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। सब्सक्राइब पाठ्यक्रम चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।